पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से अब मैदानी इलाके भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी में गंगा का पानी स्थिर बना हुआ है, लेकिन गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को अभी भी दहशत और डर के साए में जीना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ों पर हुई बारिश का पानी अब मैदानी इलाकों में आने लगा है, जिससे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और तटवर्तीय इलाकों पर खतरा बन रहा है। पानी तो कई समय 12-13 फुट के लमसम आ गया है। कितनी दिक्कत होती है पानी जब बढ़ता है? पानी बढ़ता है तो सभी को दिक्कत होता है, पब्लिक को नहाने में दिक्कत होता है, ब्राह्मणों का रोजी रोटी पर असर पड़ता है, यात्री कम हो जाते हैं। क्या जब पानी बढ़ता है तो आप लोग का स्थान बदल जाता है? स्थान ही बदल जाता है, यात्री भी इधर उधर हो जाती है और उसमें हम लोग को बड़ी दिक्कत होता है दाल रोटी चलाने के लिए। इसका कोई निदान है सरकार के पास, हम लोग का कोई बतावे? यहाँ पे जो है गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है और जितने भी यहाँ दर्शनार्थी हैं या स्नान करने वाले हैं, सभी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि सुरक्षित जानकारी के अनुसार ही जो है घाटों पर स्नान करें, अन्यथा यहाँ दुर्घटना कभी भी घट सकती है। कितने घाट हैं यहाँ? घाटों पे विशेष अगर महत्व अगर देखें तो दशाश्वमेध प्लस शीतला घाट और उसके बाद राजेंद्र घाट, ये तीन घाटों पर स्नान जो है दर्शनार्थियों और यात्रियों के लिए महत्व रखता है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जितने भी दर्शनार्थी आते हैं यहाँ पर स्नान करने वाले, सब बहुत सतर्कता के साथ जो है स्नान यहाँ पर करें और उसके बाद जो है सुरक्षित अपना यात्रा मंगलमय करें। बाढ़ से निपटने के लिए वाराणसी में NDRF की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। लोगों की सुरक्षा के लिए आपदा से निपटने के सभी इंतजाम कर लिए गए। NDRF के DIG मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि किसी भी परिस्थिति से निपटने का पूरा इंतजाम हमारे पास रहता है। मानसून इस बार काफ़ी समय से आ गया है और उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी जिले हैं, नेपाल से सटे हुए जिले, उनमें और पूर्वांचल के सभी जिलों में लगभग हर जिले में बारिश हुई है और नेपाल से जुड़ी हुई जो नदियां हैं उनका जलस्तर काफ़ी बढ़ा और कई जिलों में पूर्वांचल के बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इसका संज्ञान समय रहते लिया गया और समय से पूर्व ही वहाँ पर NDRF, SDRF और PAC की टीमों को तैनात किया गया और किसी भी बड़ी आपदा से होने से पहले ही सभी लोगों को वहाँ पर उचित जगह पर विस्थापित जो हुए थे उनको शिफ्ट किया गया और बड़े पैमाने पर राज्य सरकार अपनी तरफ से आपदा राहत का कार्यक्रम चला रही है। अभी तक जो राहत आयुक्त कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई है, अभी तक के बाढ़ वाले जो प्रभावित जिले हैं उनमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। समय से पूर्व ही उन सब लोगों को अटेंड किया गया है और राज्य सरकार की एजेंसियां और केंद्र सरकार की एजेंसियां कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी तरीके की आपदा से निपटने के लिए पूर्णतया सक्षम हैं, तैयार हैं, मुस्तैद हैं। हमारी जो यूनिट है उसकी मुख्य जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश के 42 जिले हैं जिसमें पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं और मध्य प्रदेश के जो 50 जिले हैं उनमें से 50 जिलों की जिम्मेवारी हमारे पास है। मौसम जब हमारा इस तरीके का बाढ़ और ये सारी स्थिति उत्पन्न होती है तो मॉनसून आने से पूर्व ही तैयारियों की समीक्षा की जाती है। हम अपने स्तर पर भी समीक्षा करते हैं और हमारा जो NDRF हेडक्वार्टर है वो भी अपने स्तर पर समीक्षा करता है और पूरी तरीके से जो भी हमारी यहाँ मैन पावर है उसको ट्रेन किया जाता है और जितने इक्विपमेंट हैं उनका उचित रखरखाव करके उसमें कहीं रिपेयर मेंटेनेंस पूरा तैयारी की हालात में हम रखते हैं, जिससे कोई भी चुनौती हो, छोटी हो या बड़ी हो, उससे निपटा जा सके और लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। सोशल मीडिया का हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे अपने ट्विटर हैंडल हैं, इंस्टा के हैंडल हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म का हम प्रयोग कर रहे हैं। हम जो एजेंसीज़ की इंफॉर्मेशन है उसको भी पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं या कहीं कोई आपदा है उससे पूर्व कैसे निपटा जाए, आम लोगों के द्वारा कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, वो सब हम उसके माध्यम से कर रहे हैं।
इसके अलावा जो समय समय पर हम जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, जिसको कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम कहते हैं, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाते हैं, और जो राज्य सरकार केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं उनके लोगों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं, वो हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम करते हैं। तो कुछ भारत सरकार के द्वारा कुछ ऐसी ऐप बनाई गई हैं जो आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे दामिनी ऐप है, तो जो जितनी भी बिजली की घटनाएं हो रही हैं जहाँ बिजली गिरती है, लाइटनिंग, तो उसमें हम 7 मिनट पूर्व चेतावनी आ जाती है उस ऐप पर। 7 मिनट, 14 मिनट और 21, ये 3 चरणों में वहाँ से हमको सूचना प्राप्त होती है कि इस ज़िले में, अगर मान लो वाराणसी में है, तो वहाँ रेड अलर्ट होगा और आपके पास नोटिस आना लगेगा और वो बीप करेगा आपके मोबाइल पे, आप चेक करेंगे। तो 7 मिनट पर्याप्त हैं आपका जो किसी भी जनहानि या पशु हानि से बचने के लिए, आप अपने जगह पर, सुरक्षित जगह पर पहुँच सकते हैं। इसी तरीके से सचेत ऐप है, सचेत ऐप में कहीं आगे आने वाले समय में जो पूर्वानुमान है, आजकल 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इस तरीके का मौसम विभाग पूर्व चेतावनी दे रहा है, तो कहाँ पर कितनी बारिश होगी, अगर कहीं पानी ज़्यादा पड़ गया है तो कहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कौन सा मार्ग अवरुद्ध है, कहाँ पर भूकंप आया है, ये सारी की सारी जो विभिन्न प्रकार की आपदाएँ, उनकी जानकारी सचेत ऐप में है। तो हम इसका भी प्रचार प्रसार हम अपने विद्यार्थियों में, जो कल के नागरिक हैं, उनके समक्ष भी कर रहे हैं, और जो राज्य सरकार केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं उनके जो कर्मचारी हैं उनके बीच भी कर रहे हैं, और आपके माध्यम से हम जनमानस को भी इस विषय में बताना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि जो कम्युनिटी होती है, जो समाज होता है, वो ही फर्स्ट रेस्पोंडर है। जो हमारी तरीके की जो बचाव दल हैं, अगर वो नज़दीक होंगे तो जल्दी से पहुँच जाएंगे, अगर दूर रहेंगे तो थोड़ा समय लगेगा आपदा स्थल तक पहुँचने पर। तो जैसे भी कोई आपदा होगी तो पहले जो सबसे रेस्पॉन्ड करने वाले व्यक्ति होंगे वो या तो उस परिवार के होंगे या उस सोसाइटी के होंगे।